आफरीन ने सच्चाई बताई मुझे। कैसी सच्चाई? यही कि वो औलाद की खुशी अब मुझे कभी नहीं दे सकती। ओ, तो आफरीन ने सच बता दिया। क्या वाकई आफरीन बदल गई है? मैंने सोच लिया, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। आप शायद ममानी की दी हुई कसम को भूलने वका। नहीं भूला उनकी कसम, बहुत अच्छे से याद आता है। मगर ये भी सच है कि मैं उस औरत के साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। अगर उसने आपको अपना सच बता दिया तो बदले में उसे सजा देकर आप उसके साथ गलत करेंगे वका। क्या कहना चाहती हो? मुझे लगता है कि आफरीन सुधर गई, क्योंकि जिस आफरीन को मैं जानती थी कभी भी इतना बड़ा सच नहीं बताती, लेकिन उसने आपको बताया। वो चाहती तो आपसे ये बात छुपा सकती थी। मुझे लगता है वकार, आपको उसे एक मौका देना चाहिए। नहीं रानिया, नहीं, तुम शायद आफरीन को समझ ही नहीं पाई। वो एक खुदगर्ज और मौका परस्त औरत है। अगर उसने इस मौके का गलत फायदा उठाया तो मुझे बताओ फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं कह रही हूं ना आपको। आप बस उसे कुछ कहिएगा मत और अपना बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल कर दे उसके साथ प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी पक्का। कहा था अगर मैं वकार को सच बता दूंगी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। बता दिया मैंने वकार को सच, बहुत गुस्सा करके गए वो, मुझे इस घर से निकाल देंगे। तुम प्लीज उनसे बात करो, उनको समझाओ ऐसा ना करें, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ। देखो वकार तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारी बात नहीं डालेंगे। तुम कहोगी ना तो वो मुझे अपने साथ ही रखेंगे। अच्छा आफरीन एक सेकंड, ठीक है तुम हमारे साथ चलोगी। मेरी वकार से बात हो चुकी है, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, ठीक है? अब बेफिक्र हो जाओ तुम। मुझे अब यकीन आ गया है, तुम पहले जैसे आफरीन ही नहीं।